प्रैक्टिकल में जीवन मुक्तिदाता कौन और मुक्तिदाता कौन है? जीवन मुक्ति किसके द्वारा है? अरे जीवन मुक्ति किसके द्वारा? वो एक ही है जो माता भी बनता है और पिता भी बनता है। जो मनुष्य आधा कल्प में न कर सके वो काम बाप आकर छोटे छोटे से संगम में कर देते हैं। हमने भगवान से मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति की, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर सके। अभी बाबा हमको सेकंड में जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति का फल। भक्ति तो जरूर होनी है ना। भक्ति माना दुर्गति, तो दुर्गति में आए। अब भक्ति से दुर्गति मिली, दुर्गति से भक्ति का फल मिला। क्या भक्ति का फल मिला? सदगति। अभी कितनी अच्छी समझानी देते हैं और बच्चों को सिखलाते हैं कि तुम भी ऐसे बैठ करके समझाओ जो समझने आवे। परंतु ये याद रख लेना, कोटों में कोई आवेंगे और कोई में भी कोई, फिर कोई में भी कोई बचेंगे। तुम इतनी प्रदर्शनी में बोलते हो, बाबा प्रदर्शनी में 20,000 आए, अरे उनमें से 2-5 भी निकल पड़े तो क्या बनेंगे? है इतने प्रदर्शनी में सैकड़ों आए और उनमें से 2-5 निकले तो क्या बनेंगे? है हाँ, वो जो 2-5 निकले वो पारसदार बनेंगे, और जो सुन सुन करके गए वो प्रजा बनेगी। प्रजा तो बहुत बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रेस करने वाले निश्चय बुद्धि 1-2 भी निकले तो समझो अहो भाग्य। निकलेगा तो नहीं, आधा भी नहीं निकलेगा। हाँ कोई चलेगा, अच्छा निकलेगा भी, तो चलते चलते जब युद्ध के मैदान में आएगा है, ज्ञान में कोई अच्छा निकल आया और माया के युद्ध में भी आकर के शरीक हो गया, युद्ध के मैदान में आएगा तब ऐसा उल्टा सुल्टा घूसा खाएगा, कहीं नाक पर चोट लगेगी तो कहीं आंख में चोट लगेगी, तो फां हो करके गिर जाते हैं। क्या नाक में कैसे चोट लगेगी? अरे माया के बेहद के युग में नाक में कैसे चोट लगेगी? कैसे नाक से पकड़ेगी? स्थूल नाक से? हाँ, अरे नाक से सूंघा जाता है। क्या कर रहा है? अरे भाई ये क्या करता है? सूंघा सागी करते हैं ना, कौन करते हैं? सूंघने की शक्ति ज्यादा किसकी होती है? कुत्तों की। तो सूंघा सांगी करते हैं नाक से, और सूंघा सांगी करते समय माया की चोट लगती है, घूंसा लगता है। कहते हैं ना सूरज ग्रहण कोई देखता है तो क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। वो तो स्थूल में कहते हैं, और यहां यहां क्या बात है? है जो ज्ञान सूर्य का पार्टधारी है उसकी जो सूंघा सांगी करते हैं और एक दूसरे के कान में डालते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो क्या हाल होता है? है
काम विकार में अंधे हो जाते हैं, फां हो करके गिर जाते हैं। कितने बच्चे जाकर के गिर जाते हैं। देखो ये बातें बाप बैठ करके सब कुछ समझाते हैं। कौन समझाते हैं? कौन सा बाप है समझाने वाला? कौन है टीचर बन के? है शिव बाप समझाते हैं। कब से समझाते हैं? है 76 से समझाते हैं। फिर 18 में कौन आएगा? है महाशिवरात्रि पर कौन आएगा? अरे है महाशिवरात्रि पर जो शिव जयंती गाई जाती है, आता है या नहीं आता है? कौन आता है? तो बाप बैठ करके समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या परिप्रश्नेन सेवया, गीता में आया है ना, प्रश्न उत्तर करके समझो तो समझाते हैं। तुम प्रश्न करते हो, जवाब मिलता है या नहीं मिलता है? जवाब भी मिलता है, अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से। कोई भी नया आएगा तो कुछ भी नहीं समझेगा क्या? उस प्रश्नोत्तर में, उस वार्तालाप में कोई नया आकर के बैठ जाए चुपचाप राहु केतु की तरह, तो कुछ समझेगा? कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है ना। अभी यूनिवर्सिटी में कोई भी अनपढ़ बैठेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? कोई भी देखेंगे जो प्रिंसिपल होगा बोलेगा, अरे ये कहां से आकर के बैठ गया, ये तो कुछ भी समझेगा ही नहीं। तो ऐसों को कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। कैसों को? हैं? जो नए आकर के बाबा की सभा में बैठ जाते हैं, न साप्ताहिक कोर्स करते हैं, न भट्टी करते हैं 7 दिन की, न कोई क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उनको कभी भी बाबा की सभा में अलाउ नहीं करते। कोई भी कोई कॉलेज में जाकर के बैठ जाएगा, हाँ देखने जाते हैं, अच्छा देखो कमरा देखो ये देखो, बस और क्या देखेंगे? बाकी रोज थोड़े ही उस कॉलेज में आकर बैठेंगे। जो नए आकर के बैठ गए होंगे बाबा की सभा में, वो रोज आवेंगे? उनकी समझ में ही नहीं आवेगा कुछ भी। तुम कितना भी समझाते हो, 7-8 रोज 10 रोज या 20 रोज आकर समझाते हैं, फिर माया का थप्पड़ लगा, कॉलेज ही छोड़ देते हैं। वो समझते हैं गॉड फादरली कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं। अरे गॉड एंड गॉडेस बनने के लिए, क्योंकि गॉड एंड गॉडेस कहते हैं ना देवी और देवता, फिर भी माया एक ही थप्पड़ में गॉड एंड गॉडेस पेट से निकाल देती है। अच्छा चलो बच्ची अभी छुट्टी लेते हैं, जो गारंटी करे कि हम कभी रोएंगे नहीं। क्या वो आकर के कभी कैसा जो कहते हैं, हम कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे, सदैव हर्षित रहेंगे, क्योंकि जिसको ऐसा बेहद का बाप मिला, जिनसे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है, ऐसा बाप तो किसी को नहीं मिलता होगा ना। वो तो सतयुग में मिलता है,
उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी का वर्षा है, फिर तो नहीं होता है। जब ऐसा बाप मिला और हम विश्व का मालिक बन रहे हैं, उनको रोने की तो दरकार ही नहीं है। अच्छा, अगर सजनी है, उनको साजन मिला है, अरे वाह, हमको भगवान साजन मिला है, तो हमको तो रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं, अगर तुम रोएंगी और हम समझेंगे कि तुम विधवा हो गई, कौन रोती है? हैं? जिनका पति मर जाता है वो रोती है। तो बाबा समझेंगे कि तुम विधवा हो गई, विधवाएं बहुत रोती है, मालूम है तुमको, जो विधवाएं हो जाती है वो बहुत रोती हैं, बारह बारह महीना या हुसैन करती रहती, या हुसैन करती रहती है। हैं? ये मुसलमानों की बारात क्यों बता दी? हैं? ऐसा उदाहरण दिया, उसमें मुसलमान औरतों की बात क्यों बता दी? हैं? अरे ज्ञान मार्ग में भी सूर्यवंशी बच्चियां रोएंगी या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली रोएंगी? हैं? हाँ, इसलिए या हुसैन करती रहती। पति थोड़े ही या हुसैन करते हैं। तो देखो, है ना बहुत रोने वाली, तो उनको बहुत हंसाने के लिए बाबा खड़ा कर रहे, तो तुम कभी नहीं रोना। इसमें भी खास तुम बच्चों को कहते हैं, क्या? तुम कभी नहीं रोना। कौन से बच्चों को है? तुम सूर्यवंशी बच्चों को कहते हैं कि तुम कभी नहीं रोना। रोने की आदत भी इनमें बहुत है। किन में? तुम्हारे में नहीं, इनमें। इनमें माने किन में? हैं? ये चाहे चंद्रवंशी है, चाहे इस्लाम वंशी है, बौद्धी वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, इन धर्मों में जो कन्वर्ट होती है उनमें रोने की आदत बहुत है। तो जरा ऊंची मंजिल है, अभी इनको नहीं रोने के लिए कहते हैं, भूल जाते हैं, और भूल जाने से तो सब आपदाएं आ जाती हैं। बाबा समझ सकते हैं कि जरा मंजिल ऊंची है, फिर भी पुष्टि देने के लिए कोई है जो गारंटी करे कि हम रोएंगे नहीं। अगर रोएंगी तो हम कहेंगे विधवा। कोई भी आवे, दिल्ली में सब जगह बोल देना, कहाँ खास बोला है? सबसे ज्यादा कब्रिस्तान कहाँ बनेगा? पहले दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी। तो दिल्ली में सब जगह बोल देना कि कभी भी कोई रोवे तो एक घूसा भी लगाना, और बाबा को भी बोल देना कि इनको हमने एक घूसा लगाया, जिसको आधा कल्प किया याद वो मिलता है, और तुमको सुराज देते हैं 21 जन्मों का, फिर तुमको और क्या चाहिए? एक गीत है ना, जब वो मिला तो बाकी हमको और क्या चाहिए। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, गीत है ना, जानते हैं, मुश्किल बात है। तो भी पुरुषार्थ कराने के लिए हिम्मत दिलाते रहते हैं, तो कभी रोई भी रो नहीं सकते हैं, रोते नहीं, जाते हैं ना, पुरुष भी जाते हैं, कोई का मरते हैं तो उनको करने जाते हैं, क्या कहते हैं? किसी ने कहा सी आफ, नहीं, दो आंसू भी बहाते हैं, क्योंकि उनके लिए
इनको भी बहुत प्यार था। आंसू भी बहाते हैं, पांच छह पैंसठ की वाणी का आठवां पेज। छोटा था तो एक मासी मर गई थी तो मेरे को बाप कहने लगा, तुमको जाकर के यह करना चाहिए। हाँ, ईश्वर की भाभी ऐसी थी, वो बेचारा अच्छा था, ऐसा था और दो आंसू भी बहाना। मैं बोला, आंसू नहीं आवे तो फिर हम क्या करें? मैं तो खुश मिजाज हूं, मुझे आंसू नहीं आवे तो मैं क्या करूंगा? बोला, बाहर से क्या करना चाहिए, थोड़ा दिखावा कर देना चाहिए। तो वो देखे कि भाई आंखें भीगी हुई हैं, थोड़ा बाहर से पानी ऐसे ऐसे डाल करके जैसे कि रोता ही आता है क्या? तो भी मैंने बहुत मत्था मारा और मुझे रोना आया ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो फिर हमने आकर के बोला, बाबा मेरे को तो रोना आया ही नहीं। ओम शांति।